इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। पहलवानों के मुद्दे पर ब्रजभूषण की अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद ब्रजभूषण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, पुलिस यहां पर पहुंची है ब्रजभूषण के घर पर छापेमारी करने। क्या कुछ है पूरी अपडेट विस्तार से जानेंगे। ब्रजभूषण घर से फरार हुआ है, पूरी खबर को बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपडेट बताते चलें, पहलवानों के केस में एक्शन तेज। ब्रजभूषण के लखनऊ और गोंडा स्थित घर पर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, 15 लोगों से की है पूछताछ। कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीम अब एक्शन में आ चुकी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां पर देर रात ब्रजभूषण सिंह के लखनऊ और गोंडा स्थित घर पर पहुंची। एसआईटी ने ब्रजभूषण के घर पर मौजूद 12 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के घर और उनके साथ काम करने वाले लोगों के नाम पते और पहचान पत्र साक्ष्य के तौर पर जुटाए हैं। ये यहाँ पर कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है ब्रजभूषण शरण सिंह पर। दरअसल दोस्तों, पूरे मामले को लेकर के देश की जनता के बीच में काफी उबाल देखने को मिल रहा है और भाजपा सरकार है बैकफुट पर, जिसके कारण अब सीधे तौर पर भाजपा अपनी छवि बचाने के लिए ब्रजभूषण पर कार्रवाई करने के लिए राजी हो गई है, ऐसा लगता हुआ अब नजर आ रहा है। इस समय की बड़ी अपडेट थी दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा।